हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 11 से सेक्शन 16 आईपीसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 11 आईपीसी बताता है पर्सन के बारे में। सो द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर्सन का मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं है, पर्सन का मतलब यहाँ पर कोई कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं और बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। इट कुड बी इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। So, and section 12 says the word public includes any class of the public or any community. Public का मतलब है किसी भी class की public या किसी community की public. For example, अगर बहुत सारे मान लो किसी एक ही caste के लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें हम ये नहीं कहेंगे कि ये लोग इस caste के हैं। We will denote them as public, ठीक है। कोई भी होगा, कोई भी, खूब सारे अगर हिंदूज मुस्लिम्स खड़े हुए तो ये नहीं होगा कि ये इस कास्ट के, ये इस कास्ट के हैं। भीड़ में अगर लोग खड़े तो उन्हें हम पब्लिक ही कहेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बताया सेक्शन 12 में, वो किसी भी क्लास के हो सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं। देन सेक्शन 13 को रिपील कर दिया गया था 1950 में, तो हमें ये पढ़ना नहीं है। और अब आते हैं हम लोग सेक्शन 14 पे, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी नौकर जो लोग होते हैं। सो सरकारी नौकर का मतलब ये नहीं है कि कोई नौकर, सरकारी नौकर का मतलब ये है कोई जो ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करते हैं, उनको भी हम लोग सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ही कहते हैं कि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सो द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। जिसको अपॉइंट किया गया या एम्प्लॉय किया गया है अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है। किसी की भी सरकारी नौकरी अगर है तो वो सरकारी नौकर ही कहलाएगा, ठीक है। देन सेक्शन 15 हैज बीन ऑल्सो रिपील्ड इन 1937 और सेक्शन 16 को भी रिपील कर दिया गया 1937 में। तो हम लोगों ने क्या क्या सेक्शंस देख लिए, पर्सन का हम लोगों ने मीनिंग देख लिया, पब्लिक का मीनिंग देख लिया और सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग देख लिया। आई होप आप लोगों को ये सारे सेक्शन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।